ये देखो कितना कितना बर्फ है, बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं अंदर मत्था टेक के आ चुका हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ता देखो आप किस तरीके का रास्ता। हर हर महादेव। ये देखो यार ऐसी हालत हो जाती है बेचारों की। कवर यूज हुआ है भाई, एक घोड़ा तो मर ही गया है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी जस्ट मॉर्निंग हुई आज केदारनाथ में एंड यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है अच्छा खासा। नीचे देखो कितनी कितनी बर्फ पड़ी है और यहाँ पे चलना भी काफी टफ है, लेकिन मेरी ट्रैकिंग शूज है तो शायद थोड़ा सा ट्रैक्शन कंट्रोल है इनमें जैसे गाड़ी के टायर में होता है। एंड यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। सबसे पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर में दर्शन करके आएंगे, आफ्टर दैट आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखो कितनी कितनी स्नो गिर रही है, कल पूरी रात यहाँ पे फॉल हुआ है तो आराम से डेढ़ डेढ़ दो दो फीट स्नो हो गई है। यू कैन सी दिस, हर चीज़ बिल्कुल वाइट। यहाँ तो ये चीज़ क्रॉस करना थोड़ा टफ है क्योंकि ये प्रॉपर आइस है यहाँ पे। एंड मंदिर की तरफ आप देख सकते हो किस तरीके से स्नो पड़ी है। ये देखो कितना कितना बर्फ है, ऐसी जगह पैर रखोगे थोड़ा सेफ रहता है। कल पूरी रात से हो रहा है, सुबह उठ के आके एक बार आके देख के गया था, उस टाइम थोड़ी कम थी, अभी तो बहुत ज्यादा है। ये देखो क्या गजब स्नोफॉल हो रहा है यार, ये चीज तो मैं हमेशा से देखना चाहता था, हमेशा से। लास्ट टाइम मनाली भी डेढ़ महीने रह के आया ऐसी स्नो देखने के लिए, लेकिन ये मुझे नसीब हुई केदारनाथ में। बस ये कपड़े यही बचे हैं और ये गिल्ले हो जाएंगे, आज पैक करना काफी टफ हो जाएगा नीचे की तरफ मुझे लग रहा है। 4 से 5 किलोमीटर बर्फ वाला रास्ता है। मंदिर के द्वार पे जा रहे हैं बर्फ के बीचों बीच से होते हुए। ये देखो कितनी कितनी बर्फ है, कितनी कितनी बर्फ है। यू कैन सी दिस, क्या गजब लग रहा है। प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं अभी, पहले मंदिर में दर्शन कराते हैं उसके बाद शूट करेंगे। क्या बात है, गजब द्वार लग रहा है बाबा का, बहुत ही शानदार लग रहा है, भव्य लग रहा है और बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। मैं अंदर मत्था टेक के आ चुका हूँ, अच्छे से छोटी सी पूजा करवाई थी और आज पॉसिबल लग नहीं रहा है यहाँ से नीचे उतरना, बाकी देखते हैं। मंदिर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्नोफॉल देखो आप, आस पास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, सब जगह व्हाइट हो गया है। नीचे बर्फ देखो कितनी कितनी है। एवरीबॉडी अभी मत्था टेक के वापस जा रहे हैं, स्नोफॉल देखो कितना तेज हो रहा है, शायद यहीं पैक हो गए हम। रूम पे जाता हूँ, प्रसाद रखता हूँ और फिर दोबारा आता हूँ लौट के। छतरी भी पूछते हैं यार कहीं मिलेगी तो, छाता वाता चाहिए यार, मस्ट नीडेड आइटम है। और स्नोफॉल बहुत ही शानदार हो रहा है, अभी छाता लिया है अभी जस्ट, मुझे नहीं लग रहा इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन चलो जितना भी फायदा है कम से कम ब्लॉग तो ढंग से कर पाएंगे। छाता तो ले लिया है लेकिन बहुत छोटा है यार, इससे बेनिफिट सा लग नहीं रहा मुझे। ये देखो किस तरीके से बर्फ ही बर्फ, वाओ 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 वाओ। ये देखो फ्रेश स्नो और सामने है मंदिर। ये लोग उठ के आ गए हैं अभी, ये भी मत्था टेक है। आर आर महादेव, बम बम बोले आते रहे बस। ये देखो यहाँ शॉप से कुछ एक चीजें लेने के लिए आए हैं, यहाँ 2-3 दिन पहले कुछ क्रिकेटर भी आए थे, मनी आया था। एवरीवन देखिए आप किस तरीके से केदारनाथ में लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी और चारों तरफ वादियाँ बिल्कुल वाइट हो रखी है। और ये देखो बाबा का दरबार कितना गजब लग रहा है। आज 11 नवंबर और आज छोटी दिवाली और हम पहुंचे हुए केदारनाथ धाम पे, और देखो यार कितना खूबसूरत सजा है बाबा का दरबार, और देखिए हल्के फुल्के स्नोफॉल भी हो रही है और बड़ा खूबसूरत माहौल है, और हर तरफ चारों तरफ आप देखोगे ना तो आपको बर्फ में लिपटा हुआ ये जगह दिखेगी, ये घाटी देखने को मिलेगी और बड़ा ही खूबसूरत दरबार सजा हुआ है। और आज हमारा शायद वापस ट्रैक करके नीचे जाने का प्लान बनेगा, एंड एक बार यहाँ से जाने से पहले जोर से जयकारा लगा देते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिस इज द साइड व्यू ऑफ केदारनाथ टेम्पल, यहाँ पीछे की साइड में भी एक मंदिर है, ये भीमशिला जो मंदिर के जस्ट बैक साइड में है। नजारे देखो आप, वेरी ब्यूटीफुल। और क्या
क्या कर रही है? दो बार फट गया यार, चलो कोई बात नहीं। और ये छाता फट भी गया है, 500 रुपए का छाता भी। यहाँ से नेचुरल वाटर सोर्सेज आ रहे हैं देखिए कंटिन्यूसली, और तारों पे भी देखो कितनी बर्फ है। और देखो कुछ ही पल में देखते देखते यहाँ पे कोहरा छा गया है, मंदिर अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। और यहाँ से इस तरफ से बादल आए और एकदम से बादल से छा गए हैं। कोहरा छाने के बाद तो यार ये व्हाइट व्हाइट जब अलग सा ही लगने लग गया। और ये देखो किस तरीके से पत्थर कितने गजब लग रहे हैं। भैरव मंदिर मार्ग है एंड मैं निकला हूँ अभी भैरव मंदिर की तरफ। यहाँ से कहते 500-700 मीटर है, तो धीरे धीरे करके चल आते हैं। पैरों में फिसलन बहुत हो रही है, चढ़ना टफ है। इधर नीचे देखो ब्लैक आइस कितनी बड़ी है, धीरे धीरे करके जाएंगे। अगर 2-4 बार गिर भी गए तो कोई बात नहीं, आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव का ही अवतार था भैरवनाथ का, तो उनके मंदिर जाना बनता है। इसे चला भी नहीं जा रहा है, तबीयत ज्यादा डाउन होगी। आ जाए यार इन्हें खुवाइए कुछ, पर क्या माउंटेन सिकनेस हो जाती है कई बार कुछ लोगों को, तो वो दिक्कत हो जाती है। गोल्डन रिट्रीवर भी आए हुए हैं केदारनाथ धाम पे एंड वेदर चेंज हो रहा है, अभी निकलते हैं यार, बहुत लेट हो गए हैं। अपना मंदिर में बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत फोटोग्राफी कर ली, खा पी भी लिया, सब कुछ कर लिया है, तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू, निकलते हैं यहाँ से। अब ये मैं चौथी पांचवी बार आया हूँ मंदिर में, क्या है कि यार मन ही नहीं भरता इधर आने का, आते रहोगे आप। यहाँ ना रुकने के ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितने भी है लिमिटेड है, थोड़े कॉस्टली है, लेकिन ब्लैक आइस पे भी उतरना काफी टफ लग रहा है हमें। अभी क्या धूप निकल गई है, तो हमने ट्रैक शुरू कर दिया वापस नीचे की तरफ। टाइम करीब हो गए हैं 11:30 एंड देखते कितने बजे तक शाम को पहुंचते हैं। काफी स्लिपरी है, ब्लैक आइस है ना, इसलिए आज पहुंचना है थार तक, और थार को लेके निकलेंगे फिर बद्रीनाथ की तरफ एंड दिवाली भी उधर ही देखते हैं कहीं। वो जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो है भैरवनाथ टेम्पल, जिसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, वो भी मेन मंदिर के पास से। नाउ आई एम टोटली सेटिस्फाइड। ज्यादा शूज को गीला करना भी सही नहीं है। मैट दिस रैपिड टाइप का कुछ बना रखा है एंड मौसम खराब हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं, इट मीन्स फिर से स्नोफॉल हो सकता है। रास्ता देखो आप किस तरीके का रास्ता उतरने का, एंड यहाँ से शुरू हो जाता है घोड़ों का सिलसिला। लुक एट द ब्यूटी एंड वी आर ऑन द सेम वे, यू कैन सी सेम थिंग्स आर हैपन अगेन। अभी बीच बीच में चढ़ाई आती है, तो बीच बीच में उतरना, लेकिन ठीक है, अच्छा फील आ रहा है। अभी हमारे साथ के तो बहुत ही पीछे हैं। एक मैगी है एंड नूडल्स ऑर्डर किए हैं। एक हमारा बंदा बहुत पीछे है, इस भाई को तो बार बार भूख ही भूख लगती है यार। शरीर इसका बहुत पतला है, लेकिन ये भूख बहुत लगती है भाई को। खाओ पियो ऐश, खाओ पियो ऐश करो। ओ भाई ये देखो यार, ऐसी हालत हो जाती है बेचारों की। अब ये उठ भी नहीं पा रहा है, इतना भी नहीं करना चाहिए यार। ये घोड़ा बहुत थकी हालत में, इसका ओवर यूज हुआ है भाई, इसकी हालत बहुत बुरी है, यू कैन सी। जब ये यूज नहीं आते हैं ना, तो इनका ऐसा ही किया जाता है। अब इनके पैरों के नीचे देखो किस तरीके से ये चीजें मतलब डाली जाती है। अब ये फिर उठने की कोशिश करेगा। काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे थे एंड मैंने आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि वो सेम ही रूट है, जस्ट उतरना है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं किया। एंड अभी मैं रिवर साइड बैठा हूँ, बड़ा ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे। एंड बैग टांग के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बोथ आर वेरी डिफिकल्ट, बोथ थिंग्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट। एंड अभी यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे, वहाँ थोड़ी सी देर गर्म पानी में रिलैक्स होंगे। भोलेनाथ की कृपा से उनका आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ तक उतरना बहुत आसान हो गया है।
एक और एवरीवन, देखो एक घोड़ा तो मर ही गया है इधर। ये आप सवारी करवाते रहते हैं, इनका बिल्कुल रेस्ट नहीं करने देते। देखो यार, हाँ इसका ब्लड वगैरह सब निकला हुआ है, बहुत बुरी बात है यार। फाइनली ये गेट दिखा, जन्नत मिल गई है। एंड लास्ट टाइम केदारनाथ बाबा को प्रणाम करके हम आगे निकल रहे हैं। अभी आगे चल के गौरीकुंड के पास में वहाँ बैठेंगे, उसमें गर्म जल है तो उसमें पैर डुबो के बैठेंगे गौरीकुंड में। और इतना सही है, हमने कम से कम 24 किलोमीटर की ट्रैकिंग की एंड ट्रैकिंग के बाद में इतना सही गर्म वाटर हमें देखने को मिला। This is the beautiful market of Sonprayag और हम नीचे आ गए हैं। तो देखो यार, दिवाली भी आज छोटी दिवाली है, कल मेन दिवाली है। मैं वो अभी सोनप्रयाग में और ये स्टे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करेंगे, दो दिनों के सेम कपड़े पहन रहे हैं, बस आज रिलैक्स करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। वाह वाह, दिवाली मन रही है भाई, छोटी दिवाली आज और हम हैं अभी सोनप्रयाग में। घर से कुछ तो फील आना चाहिए।